अच्छा नाज़रीन, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही। यही बात करने जाए थे वकार के, हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसकी हम क्यों नहीं हो सकते, क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की है, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की, इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब भारत ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग कर दी है। सोमवार को जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हर भारतीय अपने देश के वैज्ञानिकों पर फख्र करता हुआ दिखा, मगर एक ऐसा भी देश है जिसे इससे दुख पहुंचा हुआ सा लग रहा है, और ये देश है पाकिस्तान, जिसने पिछली बार भी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग रुकने पर मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान के शकील अहमद नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया है, भारत ने चांद भेजने के लिए चंद्रयान लॉन्च कर दिया है जिससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुशी है कि विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज जो शक करने पर मजबूर कर रही है कि भारत में चंद्रयान पर 3 अग्नि मिसाइल क्यों लगाई है, क्या अब भारत स्पेस से ही पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी भाइयों से मेरी अपील है कि सतर्क रहे। इससे पहले भारत ने 15 जुलाई को भी इसकी लॉन्चिंग की तैयारी की थी, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन फेल हो जाने की वजह से आखिरी पलों में लॉन्चिंग टालनी पड़ी। तब भी पाकिस्तान ने भारत के चंद्रयान का मजाक उड़ाया था। उस समय मुनीम हमीद नाम के एक शख्स ने ट्वीट करते हुए लिखा था, भारत का मिशन चंद्रयान 2 फेल हो गया है, सनी देओल इसमें मदद क्यों नहीं कर देते जिससे चंद्रयान 2 को आग लगाई जा सके।